राजगढ़ के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थान मां जालपा माता मंदिर की पहाड़ी पर दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर पहाड़ी पर पलट गई, जिसमें करीब 26 लोग सवार थे। हादसे में ट्रैक्टर ट्राली के नीचे 5 लोग दब गए थे। आसपास के लोगों की मदद से ट्रैक्टर ट्राली को पलट कर दबे हुए लोगों को निकाला गया, जिसमें ब्यावरा तहसील के अमानपुरा निवासी भूरी बाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रैक्टर में सवार 20 अन्य लोग घायल हो गए। ट्रैक्टर ट्राली में सभी महिलाएं व बच्चे सवार थे। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। आप वहाँ पहुँचे थे? ये पतलाबी गांव से कुछ महिलाएं आई थी, उन्होंने बताया कि वो अब बारिश की अच्छी दुआ की मांग करने के लिए माँ के दर्शन के लिए पहुंची थी। जिस समय लौट रही थी तो हनुमान मंदिर के पास में ट्रैक्टर का ब्रेक फेल हो गया और ड्राइवर की इसमें बहुत ही सराहनीय भूमिका ही कही जाएगी कि खाई की जगह उसने ट्रैक्टर को पहाड़ की तरफ टकरा दिया, जिससे और बड़ा हादसा होने से टल गया, नहीं तो बड़ी और भी दुखद घटना हो सकती थी। 108 एम्बुलेंस नहीं आई फिर वहाँ के कुछ लोग आप लोगों ने मिल के 108 एम्बुलेंस को समय लगा और हम लोग समय पे पहुँच गए थे। तो हमने अपनी 3 गाड़ियाँ थी, अलग अलग कार थी, तो उनमें करीब 12-13 जो घायल थे उनको हमने अपनी गाड़ियों से अस्पताल तक पहुँचा दिया। इसमें एक की मौत स्पष्ट हो गई, वो भूरी नाम की कोई लड़की है, उसकी मौके पे ही मौत हो गई थी, तो उसको फिर बाद में लेके आए हम। अभी तक जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर पलट गया है, जिसके महिलाएं आई थी दर्शन के लिए, 21 महिलाएं घायल हुई हैं और 1 की डेथ हुई है। टोटल 22 अभी तक उनका मेडिकल परीक्षण हुआ है, 21 घायलों का और 22 की जो डेथ हुई है बुरी आई, उसका PM कराया जाए। सर, सभी महिलाएं कहाँ की रहने वाली थी? ये अमानपुरा गाँव है, ब्यावरा के पास। अच्छा, यहाँ पर दर्शन करने आई? जी, बताया ही गया है कि दर्शन करने के लिए माता जी आई थी, माता जी से बहुत से समय जाता।